गाइज वेलकम बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। मैं आपका होस्ट सईद मोहम्मद एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ होंडा की जानिब से आने वाले 150 2021 मॉडल के बारे में। इस बाइक से रिलेटेड आप लोगों ने काफ़ी सारे रिव्यूज सुन रखे होंगे, लेकिन आज की वीडियो को बनाने का जो स्पेशल मकसद है, एक तो आप लोगों को ये बताना है कि इसमें क्या चेंजेस आई हैं 2021 के अंदर क्या, और दूसरा जो है 3 से 4 मंथ इसको हो चुके हैं लॉन्च हुए, तो बताएंगे आपको कंज्यूमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या इसमें कमियाँ देखने को मिली जो 2022 में इम्प्रूव की जा सकती हैं, और उसके साथ साथ मैं अपनी ओपिनियन भी फाइनली आपको दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं यहाँ पर ये बाइक जो है वो काफ़ी डिसेंट डिज़ाइन के साथ आता है, जिसमें आपको स्पोर्टी लुक ये बाइक प्रोवाइड करता है। पर्सनली मुझे इस बाइक का जो एक ओवरव्यू है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अगर आप एक स्पोर्ट बाइक लेना चाह रहे हैं और वो आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर है तो आप इस बाइक को प्रेफर कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा सा लुक प्रोवाइड करेगी। बात करें सबसे पहले इसके ग्राफिक्स को लेकर, तो ग्राफिक्स वाइज ये बाइक काफ़ी अमेजिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको मेंशन करता जाऊँ जो 2020 में आपको ग्राफिक्स देखने को मिले थे सेम ग्राफिक्स 2021 में ही लाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको मेंशन करता जाऊँ कि जो इसका फ्यूल टैंक है वो काफ़ी अमेजिंग है यार। मुझे पर्सनली जितनी भी बाइक्स हैं इस कैटेगरी की उसमें फ्यूल टैंक इसका ज़्यादा पसंद आया है, और जो इसकी कलरिंग है और फिनिशिंग है वो बहुत ही अमेजिंग है, और इसके जो ग्राफिक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से ऐड किए गए हैं। अब बात करें यहाँ पर हम मीटर साइड पे जाकर, अगर मीटर साइड पे आ जाएँ तो मीटर साइड पे आपको आरपीएम मीटर भी मिल जाता है इस बाइक में, स्पीडोमीटर भी अवेलेबल है, उसके साथ फ्यूल गेज और ट्रिप मीटर की ऑप्शन भी दी गई है। इस बाइक के अंदर आपको मैग्नेटिक की विद शटर लॉक सिस्टम भी मिल जाता है, और लेफ्ट असेंबली की जानिब आपको जो है वो किल स्विच की ऑप्शन तो मिसिंग है, लेकिन डीपर की ऑप्शन दी गई है, उसके साथ हाई बीम लो बीम की ऑप्शन है और हॉर्न की ऑप्शन भी दी गई है। अगर राइट साइड पे आप मूव करेंगे तो राइट साइड पे भी आपको सेल्फ स्टार्ट जैसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मजीद बात करें इसकी बैक लाइट की जानिब तो बैक की हेडलाइट भी आप देख सकते हैं, बैक की लाइट भी काफ़ी अमेजिंग लगी मुझे, काफ़ी पसंद आई है, जिसमें सिंगल बल्ब भी इंस्टॉल है। और इंडिकेटर मैं आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ, इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पर हैलोजन बल्ब्स लगाए गए हैं इंडिकेटर्स के अंदर, और इंडिकेटर्स का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। सीट्स का पोस्चर आप देख सकते हैं, काफ़ी एक अच्छा सा सीट्स पोस्चर है, और इसकी जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल लगी हैं मुझे। बात करें गाइस जो इसका एग्जॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और उसके साथ साथ जो है वो इसका जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर जो आपको रेयर साइड पे शॉक्स मिल जाते हैं वो स्विंग आर्म की शॉक्स हैं, और रेयर साइड का जो टायर है वो 90x90 का है, जो कि आपको 18 इंच के इसमें अलॉय रिम्स इंस्टॉल मिलते हैं, और इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रम ब्रेक की ऑप्शन मिलती है। जी गाइज मैं आपको यहाँ पर क्लोजअप से इसके ग्राफिक्स दिखा रहा हूँ, और आप इसकी फिनिशिंग और पेंट की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, मुझे पर्सनली काफ़ी अमेजिंग लगी है। आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बात करें इसके इंजन साइड से, जहाँ पर हमें जो इंजन देखने को मिलता है वो ओवरहेड कैम टेक्नोलॉजी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक का इंजन है, जो कि 150cc इंजन है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 12149 यानी कि 149 की डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। बोर हमें 57.3 का और स्ट्रोक हमें 57.8 का मिलता है। 9x0x1 की कंप्रेशन रेशियो है, इसमें 5 गियर इंस्टॉल किए गए हैं, और जो इसका पहला गियर है वो फ्रंट की जानिब और 4 गियर जो है बैक की साइड में रखते हैं, यानी कि यहाँ पर रिटर्न शिफ्ट की ऑप्शन आपको दी गई है। बात करूँ इस बाइक की पिकअप को लेकर, तो पिकअप के हवाले से ये बाइक काफ़ी बेहतरीन है, आपको काफ़ी अच्छी पिकअप इस बाइक की देखने को मिलती है, लेकिन एक इशू इस बाइक में फेस करने को मिला है जो कि टॉप स्पीड का है। इस बाइक की टॉप स्पीड ज़्यादा नहीं जाती, ऑलमोस्ट जो है वो जो इसको टेस्ट किया गया है तो 100 to 105, और मोस्टली अगर राइडर बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो 110 तक मैक्सिमम जाती है, जो मेरे ख्याल में काफ़ी बिग इशू है इस बाइक को लेकर के। 150cc कैटेगरी की बाइक है, लेकिन इसकी टॉप स्पीड आपको 100 to 105 या 100 to 110 तक मैक्सिमम मिलती है। बात करें यहाँ पर फ्यूल टैंक के वाले से, तो जो इसमें फ्यूल टैंक इंस्टॉल है वो 13 लीटर का फ्यूल टैंक इंस्टॉल है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा है। और अगर एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये बाइक ऑलमोस्ट जो है वो 30 to 35 तक एवरेज देती है। बाकी राइडर पे डिपेंड करता है कि राइडर उसको बाइक को किस तरह रन करता है, अगर वो बाइक को जो है वो ज़्यादा अच्छे से रखता है और अच्छे से रन करता है तो उसको एवरेज काफ़ी अच्छी यानी कि 35 तक एवरेज ऑलमोस्ट मिल जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर आप बाइक को मेंटेन ना रखें तो आपको एवरेज कम भी मिल सकती है। तो मैक्सिमम एवरेज जो है इसकी 35 से 40 के दरमियान आप कह सकते हैं, और मिनिमम एवरेज जो है वो इसकी 25 तक जाती है। तो वो डिपेंड करता है आपकी बाइक की कंडीशन के ऊपर कि आप बाइक को ओवरऑल जो है वो उसको कैसे रखते हैं, उसको मेंटेन रखेंगे तो आपको डेफिनेटली इसकी एवरेज यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो गाइस आप बात कर लेते हैं इस बाइक के लेंथ विड्थ और हाइट के बारे में, जो इसकी ओवरऑल लेंथ है वो 2050 की है, और जो इसकी विड्थ है वो 760 की है, और जो इसकी हाइट है वो 1085 mm की है। सीट हाइट की बात करें तो 766 mm की है, और यहाँ पर अगर मैं ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करूँ तो ग्राउंड क्लीयरेंस जो इस बाइक की है वो 168 mm की है। उसके साथ साथ व्हील बेस की बात करें 13/11 की व्हील बेस है, और जो ओवरऑल इसका वेट है वो 124 kg का है। अब मूव करते हैं यहाँ पर हम कुछ अपने पॉइंट्स की जानिब कि इसकी कंफर्ट कैसी है, इसके शॉक्स के हवाले से बात करेंगे, पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे, टायर्स और ब्रेकिंग के हवाले से बात करेंगे, रोड ग्रिप देखेंगे, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी देखेंगे,
और यूज़र्स का एक्सपीरियंस देखेंगे, उसके साथ साथ देखेंगे कि हम इसके मैकेनिक अवेलेबल हैं कि नहीं और पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं नहीं। तो सबसे पहले बात करें इसकी कंफर्ट के हवाले से, तो कंफर्ट के हवाले से ये बेस्ट बाइक है। आपको कंफर्टेबल के हवाले से मैं इसको 10 out of 10 मार्क्स दूंगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर आपको जो इंजन मिलता है वो ओवरहेड कैम टेक्नोलॉजी के साथ प्लस बैलेंसर शिफ्ट इंस्टॉल है, यानी कि वाइब्रेशन को मिनिमम मिलने वाली है। तो वाइब्रेशन मिनिमम होने का मकसद ही यही है कि आपको गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलेगी, और स्मूथ बाइक होने की वजह से आपको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। उसके साथ साथ बैलेंसर शिफ्ट और ओवरहेड कैम टेक्नोलॉजी के होने के साथ साथ आपको यहाँ पर जो सीट्स मिलती हैं, सीट्स पोस्चर काफ़ी अच्छा है, उसके साथ साथ सीट्स काफ़ी सॉफ्ट हैं और कम्फर्टेबल हैं, और शॉक्स भी इस बाइक के काफ़ी अच्छे हैं। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर बैलेंस मिलती हैं आपको, इस वजह से बाइक जब वो कंफर्ट के हवाले से मैं इसको पूरे मार्क्स दूंगा कि कंफर्ट के हवाले से बेस्ट बाइक है। इस कैटेगरी में आपको कोई भी बाइक कंफर्ट के हवाले से इस तरह की बाइक अवेलेबल नहीं होगी। सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं हम इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी के हवाले से, तो बिल्ड और पेंट क्वालिटी के हवाले से बात करें तो डैट्स गुड, ग्रेट बिल्ड क्वालिटी है। मैंने आपको चेक भी करवाई है स्टार्ट में कि इसकी पेंट क्वालिटी और फिनिशिंग काफ़ी बेहतरीन है, जहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है और पेंट क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट दी गई है। तो इन दोनों के अंदर भी यहाँ पर ये 10 out of 10 रहती है। अब टायर्स और ब्रेकिंग के हवाले से बात करें तो टायर्स के हवाले से यहाँ पर एक इशू सुनने में आया है इसके फ्रंट टायर के अंदर। फ्रंट टायर के अंदर कहा जाता है कि इसका फ्रंट टायर जो है वो समटाइम स्लिप हो जाता है, तो आल दो ये इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है 2022 के अंदर, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। आल दो यहाँ पर ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, फ्रंट पे आपको डुअल पिस्टन की डिस्क ब्रेक मिल जाती है और रियर साइड पे आपको जो है वो सिंगल डिस्क ब्रेक की अवेलेबल नहीं है, लेकिन यह है कि ब्रेकिंग फ्रंट और बैक दोनों साइड की काफ़ी डिसेंट है। तो ब्रेकिंग के हवाले से मैं इस बाइक को 10 out of 10 में से 7 मार्क्स देना चाहूँगा, क्योंकि टायर स्लिप होने का इशू इसमें रहता है, तो अगर फ्रंट टायर का यहाँ पे इशू रिजॉल्व कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में ब्रेकिंग के हवाले से भी ये काफ़ी बेस्ट हो सकती है। गाइस नेक्स्ट बात करें इस बाइक के लेकर के रोड ग्रिप कैसी है। इस बाइक की जो रोड ग्रिप है वो काफ़ी एक्सीलेंट रहती है, क्योंकि बाइक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी रहता है और काफ़ी डिसेंट चलता है। आपको ओवरहेड कैम टेक्नोलॉजी है, बैलेंसर शिफ्ट इंस्टॉल्ड है और बाइक का वेट भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर रखा गया है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी होने की वजह से ये बाइक जो है वो रोड ग्रिप काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करती है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी के वाले से बात करें तो पार्ट्स इसके थोड़े से महंगे हैं बाकी तमाम बाइक से होंडा की, लेकिन यह क्या पार्ट्स अवेलेबिलिटी इसकी काफ़ी ईजी हो गई है, आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट्स में पार्ट्स इसके आसानी से मिल जाते हैं। मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब इसके मैकेनिक आपको हर जगह अवेलेबल हैं, क्योंकि होंडा की बाइक्स के मैकेनिक्स आपको कहीं भी मिल जाते हैं। ये बाइक्स काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं और इन बाइक्स के मैकेनिक्स आपको हर जगह अवेलेबल हैं, तो मेरे ख्याल में बाइक्स के मैकेनिक्स के हवाले से भी आपको कोई ज़्यादा बिग इशू नहीं मिलेगा, आपको बआसानी इसके मैकेनिक्स कहीं भी अवेलेबल होंगे। अब मैंने यहाँ पर कोई 4 से 5 पॉइंट निकाल कर रखे हैं जो मेरे ख्याल में 2022 में इस बाइक में इंप्रूव होने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये रिकमेंडेशन दूंगा कि इस बाइक के अंदर जो डिजिटल मीटर है उसको लाजमी ऐड करना चाहिए। हाल तो बाइक में कोई कमी नहीं है, बाइक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जैसे रोड प्रिंस का वीगो 150 आता है डिजिटल मीटर के साथ, तो यहाँ पर अगर डिजिटल मीटर ऑप्शन ऐड कर दी जाए 2022 में, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा ऑप्शन होगा और पाकिस्तान के अंदर ये एक बेस्ट बाइक बन सकता है। सेकेंड चीज़ जो इस बाइक में मिसिंग है वो किल स्विच की ऑप्शन है, और ये ऑप्शन भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको भी कंपनी ऐड कर सकती है, तो मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छा कदम होगा अगर इस ऑप्शन को भी ऐड कर दिया जाए। थर्ड ऑप्शन जो है वो टॉप स्पीड के हवाले से है, तो एक 150 cc बाइक है, ऑलमोस्ट इसकी जो टॉप स्पीड है वो 140 तक होनी चाहिए, तो यहाँ पे कंपनी को वर्क करने की ज़रूरत है कि इसकी टॉप स्पीड पे वर्क किया जाए कि इसकी टॉप स्पीड क्यों कम है, और उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो भी मुमकिन आना कोशिशें हैं वो करनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, और एक चीज़ है कि रेयर साइड पर अगर डिस्क ब्रेक ऐड कर दिया जाए तो ब्रेकिंग को भी मज़ीद इंप्रूव किया जा सकता है। और पाँचवीं चीज़ जो इसके फ्रंट टायर में इशू है, जो स्लिपिंग का इशू आता है, उसको भी रिजॉल्व कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में अगर ये 5 ऑप्शन जो कि मिनिमम ऑप्शंस हैं अगर ये ऐड कर दी जाए तो ये बाइक काफ़ी बेस्ट हो सकती है, और अगर पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन ऑप्शन होगी अगर इन 5 चीज़ों को इम्प्रूव कर दिया जाए इस बाइक के अंदर। सो गाइज फाइनली इस बाइक की प्राइस के हवाले से बात करूँ, जो इसकी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो 255,500 चल रही है। ये बाइक 1,60,000 पे लॉन्च हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस ऑलमोस्ट 1,00,000 के लगभग प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है, तो कंपनी को यहाँ पर प्राइस के हवाले से थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है कि प्राइस पे कंट्रोल किया जाए। अगर मेरी ओपिनियन की बात करें तो मेरी ओपिनियन के हिसाब से ये बाइक एक बेस्ट ऑप्शन है, आप इस बाइक को ले सकते हैं और ये बाइक आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है। गाइस अगर आप इस बाइक का किसी बाइक के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह कंपैरिजन वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे, टेक केयर ऑफ यू, अल्लाह हाफ़िज़।